पेशावरच्या आर्मी स्कूलमध्ये काल दहशतवाद्यांनी मानवतेला काळीमा फासला. ज्या स्कूलमध्ये मृत्यूचं हे तांडव झालं त्या शाळेत आज अतिशय वाईट स्थिती होती. संपूर्ण उद्ध्वस्त झालेल्या या शाळेचं भयानक रूप आज जगासमोर आलं. ये बैक स्टेज था जहां ऑडिटोरियम, जहां आमतौर पर फंक्शंस हुआ करते हैं और या कोई बड़े इम्तिहानात हो जहां बच्चों की बड़ी तादाद को एक जगह पे इकट्ठा करना हो, ऑडिटोरियम आमतौर पर उन ही इस्तेमाल होते हैं. लेकिन ये क्या कि इस बार इन बच्चों को इस तरह इस्तेमाल किया गया. ये गालबन इनकी यूनिफॉर्म की कैप है जो इस वक्त खून में ली हुई है और इससे खून की बू भी आ रही है और बता रही है कि हाँ, इस मुल्क के मुस्तकबल को इन बच्चों ने अपने खून से ये खून से जुड़ी, खून से भरी टोपी नहीं हो रहा कि मैं बयान कर सकूं. लुगत के वो अल्फाज खत्म होते जा रहे हैं. क्या दर्द, तकलीफ, दुख, गम, सब कुछ कम तरीन नजर आ रहा है. कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करूं कि शायद उन माओं का कलेजा ठंडा हो सके कि जिनके लखते जिगर, जिनके मासूम बच्चे दुनिया से चले गए और सिर्फ दहशतगर्दी की नज़र. शायद ये बच्चे तैयार होके कोई डॉक्टर बनते, कोई इंजीनियर बनते या कोई और पेशावर बनते, लेकिन इन सब का मुस्तकबिल तारीख में नहला दिया. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.